आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, ए फ्लाई इज सिटिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप पॉइंटेड टू द मून टेकन थ्रू टेलीस्कोप। ओके, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि एक टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस तरह का होता है। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये आईपीस होता है। इसका फोकल लेंथ एफ ई होता है, इसका फोकल लेंथ एफ ओ होता है। ओके, हमसे कह रहा है ओके मून से बहुत सारे रे आ रहे हैं इन्फिनिटी से। ओके, बहुत सारे रे आएंगे इन्फिनिटी पे होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो इसका जो इस लेंस का ऑब्जेक्टिव का जो फोकल प्लेन होगा उस पर सारे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, बहुत सारे होंगे। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इस पर क्या कोई एक मक्खी बैठ गया। मान लीजिए ये मक्खी है, ये मक्खी बैठ गया। ओके, तो मान लीजिए तो इससे चाहे इधर बैठ गया, कहीं पर ये बैठ गया, तो बोला जा रहा है कि इससे जो हमारा है मून का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये कह रहा है कि बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा मून का इमेज, या कह रहा है कि देयर इज इमेज ऑफ द फ्लाई ऑन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पे जो है हमारा इमेज का जो फ्लाई का इमेज आ जाएगा। ओके, देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, द इमेज ऑफ द मून इज अ लोअर इंटेंसिटी। देखिए, तो क्या होता है कि हमको किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए क्या होता है, उसे अगर दो तीन रे भी, मतलब कि दो तीन रे भी आ जाए अगर, या समझिए दस रे आ जाए, दस रे आके इंटरसेक्ट कर जाए तो वहाँ पे इमेज बन जाती है। ओके, लेकिन जितना ज़्यादा रे आएगी, मतलब जितना ज़्यादा रे अगर इस लेंस से, जितना ज़्यादा रे इससे आके लेंस से आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे सब सारे एक साथ, उतना क्लियर इमेज बनेगा इस मून का। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मक्खी बैठ गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो रे मक्खी पर आके जो स्ट्राइक कर रहा होगा वो रे क्या हो रहा होगा, वो लेंस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो उस केस में क्या होगा हमारा कि जो मान लीजिए हजार रे आ रही है इस मून से। ओके, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए 50-100 रे जो हमारा वो मक्खी ने ब्लॉक कर दिया। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो उसका इंटेंसिटी अगर मक्खी नहीं होता तो बहुत ज़्यादा हाई होता, लेकिन क्या होता है कि इंटेंसिटी उसका थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब इमेज बनेगा, इमेज तो मून का ही बनेगा, और लेकिन क्या होगा जो मान लीजिए ये रे मक्खी पे पड़ रहा है तो वो क्या होगा, या तो मक्खी से होके इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या मान लीजिए इधर जो रे है इधर उधर मतलब रिफ्लेक्ट हो गया या लौट गया। ओके, ये थोड़ा बहुत ट्रांसमिट भी कर जाएगा, तो उसे बस क्या होगा कि इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, इमेज का जो इंटेंसिटी होना चाहिए। ऐसे तो बहुत अच्छा, मतलब हाई इंटेंसिटी का इमेज बनता, बहुत ही क्लियर पिक्चर होता, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम दूसरा कोई एक और एग्जांपल समझाते हैं आपको, ये कोई लेंस है, लेंस में मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टिकर लगा दिया, यहाँ पर स्टिकर लगा दिया, यहाँ पर स्टिकर लगा दिया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया और हम चाहते हैं इसका, हमसे पूछा गया इसका इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, तो इस केस में भी इसका इमेज बनेगा, क्योंकि मान लीजिए जो पोर्शन जो स्टिकर से नहीं चिपकाया गया है वहाँ से क्या होगा, रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, और जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा तो इमेज बना देगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जो रे है, नंबर ऑफ रेज हु विल इंटरसेक्ट हेयर टू फॉर्म इमेज, वो कम हो जाएगा, लेकिन इमेज तो बन ही जाएगा, मतलब कि अगर यहाँ से आकर इंटरसेक्ट अगर कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनेगा वो, तो ओनली जो है इंटेंसिटी में फर्क करेगा। तो सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।